नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं रूपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम देखने वाले हैं गणित के 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, व्यापम, रेलवे, पीएससी जितने भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वहाँ से आपके एक नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे आगामी एग्जाम एसआई भर्ती होने वाला है या फिर हॉस्टल वार्डन की भर्ती होने वाला है, तो आपके एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन है जो आपके रिलेटिव क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, मैथ्स के 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से। इसके बाद हम आयु संबंधी प्रश्न देखेंगे 2 क्वेश्चन, उसके बाद नल और टंकी से क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन आप याद करके चल दीजिएगा, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ्स की। तो चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, पहला ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करता है, यानी कि ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में करता है। उसी प्रकार बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी और सी यानी कि दो लोग मिलकर उसको 12 दिन में करता है। उसी प्रकार सी और वे उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ए और बी एक काम को 8 दिन में करता है यानी कि दोनों मिलकर उसको कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। उसी प्रकार बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, फिर सी और वे इसको 8 दिन में करता है यानी कि दो लोग हैं, तो 1/2। इसके बाद आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1/8 यानी कि ए और बी का कार्य उसी प्रकार बी और सी का कार्य है 1/12। उसी प्रकार सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में यानी कि 1/8। ठीक है, अब इसको एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12×12, 12×24 और 12×36। ठीक है, उसी प्रकार 8×8, 8×16, 8×24 यानी कि 24 इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका 24 हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसे 8×8, 8×16, 8×24 3 और ये आपका हो जाएगा 12×12, 12×24 उसी प्रकार यहाँ पर 3 और ये आपका आ जाएगा 1/2। इसको रहने देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, यहाँ पर ये 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 3 8। ठीक है, 8/24। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेते हैं, 8×8, 8×16, 8×24 तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2×1/3 यानी कि इसको गुना कर देंगे तो 3×2 6 यानी कि 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 दिन में करेगा। आप क्या बताएंगे, 6 दिन में करेगा। आपको कैसा लगा सवाल क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए ए एक काम को 24 दिन में करता है, ये एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में करता है। उसी प्रकार बी उसको 9 दिन में करता है, कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में करता है। उसके बाद सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है यानी कि एक काम को 24 दिन में कर रहा है, उसी प्रकार बी उस काम को 9 दिन में करता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि ए कितना दिन में करेगा, जब बी और सी क्या कर रहे हैं, कार्य आरम्भ करते हैं, बी और सी यानी कि बी और सी ये दोनों कार्य क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बी और सी कार्य आरंभ करते हैं तो ए कितने दिन में करेगा, यहाँ पर बी और सी कार्य आरंभ करते हैं यानी कि 9/12 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1/9 + 1/12। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये 3 कहाँ से आया, यानी कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, तो यहाँ पर बी और सी कार्य आरंभ कर रहा है तो 3 यानी कि 9 में 12 गए कितने जाएगा, 3 जाएगा ना, तो बी और सी कार्य आरंभ किए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इसका एलसीएम कितना जाएगा, दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 36। ठीक है, 9 से इसको भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, तो 4×4 यहाँ लिख लेते हैं, उसके 12 को 36 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 3 बचा हुआ है तो हम इसको 3 इधर लिख लेते हैं, फिर उसी प्रकार यहाँ से 4 और 3 कितना हो जाता है, 7 है ना, और ये 36। ठीक है, तो 7×4 3 7 हो जाएगा आपका 7/36×3। ठीक है, अब 3 को इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 7/12। ये तो क्या पूछा गया है, ए कितना दिन में कार्य करेगा, ए एक काम को कितना दिन में कर रहा था, 24 दिन में, तो शेष कार्य, तो ये आपका आ जाएगा शेष कार्य, तो शेष कार्य के लिए क्या लिखते हैं, 1 - 7/12
12, ठीक है। अब इधर इधर ये चला जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपको शेष कार्य पूछा गया है, तो ये आपको 12 इधर चलेगा, जब 12 में 7 का टाइम कितना आ जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 को इधर लिख लेते हैं दोस्तों, 5/12 आएगा। उसके बाद पूछा क्या गया है, ए एक काम को 24 दिन में किया है, तब आंसर ये वाला, ए कितना दिन में करेगा, एक काम को कितना दिन में करेगा, ए एक काम को 24 दिन में करेगा, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ए का कार्य, ए का कार्य यही आपके सवाल में पूछा है, तो एक का कार्य कितना है 24, यह कितना है 5/12, ये आपका आ जाएगा 12 × 12 = 24 और 5 × 10 ये आपका आ जाएगा आंसर। तो पूछा गया ये कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो ये आपका 10 दिन में करेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न जो आपके एग्जाम में आता है, आयु संबंधी प्रश्न यानी कि एज रिलेशन, ठीक है। ये आपका क्लास शाम 5 बजे स्टार्ट होती है, डेली क्लासेस कराया जा रहा है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो पर जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। चलिए देखते हैं आप आयु संबंधी प्रश्न जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है, इसको नोट कर दीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक सवाल आपके लिए, चलिए आप कमेंट में बताइएगा, इसका सवाल हल कीजिएगा कि 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, उसी प्रकार यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, चलिए इसका कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद हम आयु संबंधी प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद पूछा गया है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी है, यानी कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी है तथा माता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी है तथा पिता व माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 9 गुनी है, यानी कि 9 गुनी। उसी प्रकार माता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी है दोस्तों। उसके बाद पूछा गया पिता व वर्तमान की आयु कितनी होगी, 51 वर्ष, पुत्र की आयु निकालना है पुत्र की, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन 3 दी, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 या डी ऑप्शन 9 ऑफ दिस, ठीक है। तो कितने वर्ष का है पूछा गया है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो चलिए देखते हैं एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है, 9 गुनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पुत्र की, आप यहाँ पर मान लेते हैं x है, उसी प्रकार पिता की माने तो यहाँ पर इसका 9 गुनी है, तो आपको 9x आ जाएगा। उसी प्रकार पूछा गया है माता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी है, यहाँ पर माता की आयु कितनी आ जाएगी, 8x आ जाएगी, कितना आ जाएगा 8x। उसके बाद पूछा गया पिता व माता की आयु का योगफल, यानी कि इन दोनों का योगफल कितना होगा, तो 9x + 8x = योगफल पूछा गया है, तो इसका आ जाएगा 51x, ठीक है। तो इसका पुत्र की आयु क्या करना है, निकालना है हमको, तो 8 × 9 कितना आ जाएगा 17x = 51x, 17 × 17, 17 × 34, 17 × 51, यानी कि x = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसका पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी, यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये आपका था आयु संबंधी प्रश्न, दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, राहुल व दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है, राहुल और दीपक की आयु का अनुपात कितना है, 4:3। उसी प्रकार 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष हो जाती है, अब बोला गया 6 वर्ष बाद, एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, 6 वर्ष बाद पूछेगा या पहले वाला पूछेगा या फिर 6 बाद या पहले, दोनों वाला पूछेगा, ये हम कल देखेंगे पूरा डिटेल के साथ आयु संबंधित प्रश्न में, ठीक है। अब देखिए 26 वर्ष होगी तो दीपक की क्या पूछा गया, वर्तमान आयु पूछा गया है, तो चलिए राहुल और दीपक की आयु, तो ये आपका हो जाएगा राहुल
और ये आपका हो जाएगा दीपक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राहुल की आयु दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है, यहाँ पर 4/3 लिख सकते हैं, इसको अनुपात में बटा लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा है 6 वर्ष बाद, तो हम इसको जोड़ देते हैं 6 वर्ष बाद, ठीक है। 6 वर्ष बाद इसको जोड़ लेते हैं, तो पूछा गया है आयु 26 वर्ष हो जाएगी, है ना। तो किसका पूछा गया यहाँ पर, दीपक का वर्तमान आयु पूछा गया, तो दीपक का लेके चलते हैं, ठीक है। किसका लेके चलते हैं, दीपक का लेकर चलते हैं। दीपक का पूछा गया है तो दीपक का लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 3 x 6 x कितना हो जाएगा बराबर 26, 3 और 6 कितना, तो 9 x बराबर आपका 26 आ जाएगा। फिर इसको पक्षांतर कर देंगे कितना जाएगा, 26 में 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, 26 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 26 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 26 में 9 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 15 दिन, है ना। 15 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा, 15 दिन, ठीक है।